कॉर्पोरेट फस एक्सपेक्टेड हैव स्टार्टेड तो हमने पार्ट फाइव तक डिस्कस कर लिया था और लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है कैसे उसको सॉल्व करना है वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशंस हमने कर लिया है तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को चेक कर सकते हो सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ तो वहां से आप अपने एम सी को क्लियर कर सकते हैं तो दिस इज द पार्ट सिक्स ऑफ द एम कॉम सेमिस्टर टू कॉर्पोरेट फिनांस एमसीक्यू सीरीज विच वी तो आपको पता ही होगा आपका एग्जाम अभी ट्वेंटी ऑफ जुलाई से होने वाला है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई तक आपको इसी तरीके से कॉरपोरेट फिनेंस के जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की जो सीरीज हमने शुरू की है वो आपको मिलते रहेगी तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ फाइनेंसिंग इन्वॉल्व द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ करंट एंड फिक्स असेट्स इक्विटी एंड डेट फिक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एंड करंट असेट्स तो आपको यहां पे पूछा गया है कि फाइनेंसिंग जो डिसीशन होंगे उसमें किसका अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रिलेटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर सच एज नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मॉडिग्लिनी मिलर ट्रेडिशनल अप्रोच तो इसमें क्या होता है इसमें हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखते हैं इक्विटी और डेट का तो राइट right आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है इक्विटी एंड डेट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ प्रीसाइज वैल्यू दैट लाइज बिटवीन टू टेबल वैल्यूज इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरपोलेशन या एन्यूटी वैल्यू तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ प्रीसाइज वैल्यू जो लाइ करता है दो टेबल वैल्यूज के बीच में ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है इंटरपोलेशन तो दैट इज कॉल्ड एज वॉट That is as तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में फिट रखना है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन फाइनेंशियल या रेशियो एनालिसिस लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स क्लेम या टैक्स पेबल तो जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो क्या दिखाना चाहता है कि कंपनी जो होगी वो कंपनी की एबिलिटी है या नहीं आपके करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए सो लिक्विडिटी रेशियो अगर अच्छा रहेगा तो दैट इंडिकेट्स व्हाट द कंपनी इज लाइबल टू पे द करंट लाइबिलिटी इमीडिएटली तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी करंट लाइबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लिक्विडिटी रेशियो आई थिंक अभी आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है बिकॉज हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया तो इनमें से कौन सा लिक्विडिटी रेशियो होगा डेट इक्विटी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो नेट प्रॉफिट मार्जिन या एसिड टेस्ट रेशियो आई होप दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज एसिड टेस्ट रेशो तो एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं हम इसे या इसका अल्टरनेटिव नेम जो है दैट इज लिक्विड या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशो तो अलग अलग नाम है सिर्फ बाकी कंसेप्ट तो आपका वही रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्विक रेशियो इक्वल टू तो क्विक रेशो का फॉर्मूला पूछा है क्विक असेट्स प्लस क्विक लाइबिलिटीज क्विक असेट्स माइनस क्विक लाइबिलिटीज क्विक असेट्स डिवाइडेड बाई क्विक लाइबिलिटीज या करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज तो इट्स वेरी सिंपल क्विक रेशियो का क्या फार्मूला होता है द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो विल बी क्विक असेट्स डिवाइडेड बाई क्विक लाइबिलिटीज तो क्विक असेट्स को अगर हम क्विक लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है क्विक रेशो का एंड इसका स्टैंडर्ड भी है स्टैंडर्ड क्या है क्विक रेशो का दैट इज वन इज टू वन एंड इट शोज द इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टैक्स एडजस्टमेंट तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी दैट इज रिलेटेड विथ टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक होता है आपका एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि टैक्स एडजस्टमेंट हमें किसमें करना पड़ता है कौन से कॉस्ट पे करना पड़ता है सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसर्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स तो टैक्स के लिए आपको एडजस्टमेंट किसमें करना पड़ता है वी नीड टू डू इट विथ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिकॉज हमने कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में पढ़ा है केडी के बेसिस पे रिप्रेजेंट होता है एंड फॉर्मूला ही है केडी इक्वल टू इंटरेस्ट न माइनस टैक्स तो टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वी नीड टू डू इट विद दॉ डिवेंचर्स एंड दिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ डेट कॉल्ड एस के डी तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंगज इम्प्लिसिट कॉस्ट तो इनमें से किसको इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इक्विटी डिवेंचर्स प्रेफरेंशियस या रिटेन अर्निंग्स तो इक्विटी प्रेफरेंशियर्स और डिबेंचर्स इन तीनों को होता है एक्सप्लिस कॉस्ट बिकॉज ये पैसा हमें बाहर वालों को पेमेंट करना है लेकिन जो पैसा हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो हमने खुद के पास रिटेंड रखा है दैट इज कॉल्ड एज द रिटेन अर्निंग्स अगर हम वो पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते तो हमें उससे रिटर्न्स मिलती लेकिन हमने वो पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इसलिए वो रिटर्न्स हमें नहीं मिलेंगे दैट इज वाई उसके ऊपर भी कॉस्ट इनकर होगी एंड दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट तो राइट right आंसर आपका यहां पे इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बोला है तो सही आंसर यहाँ पे बनने वाला है रिटेन अर्निंग्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु द द फॉलोइंग डिविडेंड ग्रोथ कैपिटलाइजेशन मॉडल तो बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने मॉडल्स डेवलप किए हैं डिविडेंड रिलेटेड डिविडेंड डिसीशन वॉल्टर्स मॉडल गॉर्डन मॉडल एम एम मॉडिग्लिनी मिलर मॉडल तो डिविडेंड ग्रोथ कैपिटलाइजेशन मॉडल जो है वो किसने दिया है गॉर्डन एम एम मॉडल ड्यूरेंट्स मॉडल या कैपिटलाइजेशन मॉडल बाय मॉरिसन तो याद रखना है आपको डिविडेंड ग्रोथ कैपिटलाइजेशन मॉडल जो है वो दिया है मायरिन गॉर्डन ने तो क्या दिया है किसने दिया है माइरिन ग्रोथ कैपिटलाइजेशन मॉडल इज गिवन बाय गॉर्डन दिया है का पूरा नाम मायरिन गॉर्डन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं uh, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर्स इज रुपीज फाइव लैक्स एंड द ई बी आई टी विल बी तो ई बी आई टी पूछा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है आपका वन लैख फिफ्टी थाउजेंड दिया है टेन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी दी है टेन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू दी है फाइव लैक्स अगर हम फाइव लैक्स का टेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं इंटरेस्ट कितना है हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे इंटरेस्ट नहीं तो आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं पीबीटी ठीक है पीबीटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसके ऊपर हमारा आता है इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा ईबीआईटी बराबर ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो मिलेगा पीबीटी तो पीबीटी पीबीटी में इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ई मिलेगा बहुत ही सिंपल है प्रॉफिट का दिया हुआ है 10 debentures की value कितनी है? 5, 000, तो 5, का 10 आ जाएगा 50, 000, तो is 1, 50, interest is 50, तो आपका EBIT कितना बनेगा आपका EBIT बनेगा टू लैख्स तो राइट right आंसर आपका बनने वाला है टू लैक्स तो टू लैक्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं डैश अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज में कौन इनमें से एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप डेट इक्विटी कंबाइंड लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज काफी सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइन जो फाइनेंशियल लिवरेज है उन्हीं का कॉम्बिनेशन बनता है आपका कंबाइंड लिवरेज तो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है कंबाइंड ज आई होप दिस क्वेश्चन आर इंटरेस्टिंग एंड यू आर लाइकिंग दिस क्वेश्चन तो इससे आपके काफी सारे रिवाइज हो रहे हैं ऐप को डाउनलोड कर ले लास्ट मिनट विद आर एस एम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अगले बार ऐसे वीडियोज तो आपको मिलते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर